वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम सीख रहे थे कि हमारी ज़िंदगी में बरकतें और लानतें किस तरह से आ सकती हैं और खुदावंद का पाक कलाम इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है, बुजुर्गवार हमें सिखा रहे थे। मैं एक मरतबा फिर सर आपको प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमें इस पर मजीद सिखाएं। जी सर, खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मैं वहीं से शुरू करूंगा जी, करूंगा कि क्या देखते हैं हम यर्मिया। अगर यर्मिया की किताब को समझना है तो फिर हमें वैसा ही उस जैसी जिंदगी बनानी होगी जी, ठीक है। तब हम पर आफ्ताब सदाकत चमकेगा जी। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या भलाई और बुराई हक तआला के हुक्म से नहीं, पस इंसान जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती हो। जब फिरौन उनके गुलामी में थे जी 400 साल, मैं शायर आदमी हूँ, तखयलात उभरते रहते हैं, वो 400 साल की गुलामी में याद रखना अमर बेटे जी, वो सब के सब निजात पा गए जी। क्यों? इसलिए कि फिरौन के खुदा को उन्होंने सजदा नहीं किया, नहीं, उन्होंने बछड़ा नहीं बनाया वहां जी। मगर जब समुन्दर को बहरे कुलजम को दो हिस्से मूसा ने हाथ उठा, क्यों फरियाद करता है पीछे भी मौत आ रही है, रथ आ रहे हैं फिरौन के और आगे समंदर, फरियाद मत कर, फरियाद बनना आह भरना जी, लाठी उठा समुंदर से जरा साथ देगा, लाठी उठा ईमान से। अगर हम ईमानदार हैं तो आज हमारे सामने समुंदर क्यों खुश्क नहीं होता और हमारे लिए रास्ता क्यों नहीं बनता, ठीक है। लाठी उठाई और पानी दोहे से हो गया। ईमानदारों के दरमियान ये मौजूदे होंगे, अगर हम ईमानदार हैं तो वो मौजूदे कहां जी, नहीं, हम ईमानदार, जब हम ईमानदार नहीं तो ये सबसे बड़ा गुनाह है जी। तो गुनाह की मजदूरी क्या है भाई? मौत, मौत है। अगर फिरौन के लिए, फिरौन हमारी कौम वहां से सलामती से मूसा की गुजर जाती है, मूसा लीडर, अजीम लीडर खुदा का, मंसूर रूह से भरा हुआ, पाक रूह से भरा हुआ, पार चला गया, फिरौन भी आ गया, अंदर चला गया, उसकी रूह की आंखें बंद थी क्योंकि खुदा उसे मार देना चाहता था, ठीक है। जब वो पूरे रथों समेत अंदर चला गया तो फिर खुदा ने उसे हुक्म दिया, लाठी उठा। आज हम उसके हुक्म से ये लाठी बाइबल मुकद्दस हमारे सामने बोलती है, तहरीर है, ये बोलती है, लाठी नहीं बोलती थी मगर खुदा का रूह उसके सामने अब बोलता था, लाठी उठा और पानी फिर एक हो जाए। जब लाठी उसने ईमान से उठाई तो पानी एक हो गया और फिरौन के लोहे के रथ और घोड़े और उसकी फौजें पीस कर रख दी। वो खुदा कहाँ है? नहीं, इसलिए नहीं कि मूसा हमारे गिरजों के अंदर, चर्चों के अंदर नहीं है। कैसे कौम बचेगी? वही कौम जब इतने मौजदात देख के आगे निकली तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मूसा, हम तो वहां मिस्र में अच्छे थे, खिरे खाते थे, गोश्त खाते थे, हंडियों पर बैठ कर। अरे याद रखो, मूसा ग्रेट ग्रेट आदमी, खुदा मरियम को कहता है, तुम्हें कौन सा हक पहुंचा, किसने दिया कि तुम मेरे मूसा बंदा पारे? अपनी जुबान खोलो। बाइबल मुकद्दस में ये मरकूम है, लिखा हुआ है कि मूसा मेरे सारे खानदान में ईमानदार आदमी, ईमानदार, हलीम, ऐसा पूरी कौम में को हलीम नहीं। हलीम, हलीम कब बनेगा? जब पाक से भरेगा, पाक रू से भर जाएगा तो गुस्सा नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा। जो गुस्सा करते हैं तो फिर उनको, यानी याद रखो, फिरौन के रथों को और फिरौन की फौजों को सब को पीस कर रख दिया। अच्छा, वही खुदा जब वो बुड़बुड़ाए तो फिर क्या? खुदा ने इब्रानियों में पढ़ो 3 बाब में आखिरी आयतों में तो लिखा है कि मूसा ने मिस्र मुल्क से निकाल कर मुल्क कनान में पहुंचाना था जी। वो भी नून आती है और मसीह ने वहां पैदा होना था, ठीक है, कहां? मुल्क कनान में। और अब्लीस की चालों को हमें समझना चाहिए, हम नहीं समझते कि हम जिस्म में रहते हैं, जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, बाइबल हाथ में होती है तो भी। अच्छा, मूसा जब पहाड़ पे चला गया जी, ठीक है, 40 दिन नहीं, 80 दिन और 80 रात ऊपर रहा, वहां को तंदूर नहीं थे, वहां को वाटर पंप नहीं लगे हुए थे, मगर हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है इंसान उससे जिंदा रहेगा। मूसा देख, तेरे कौम ने क्या कर लिया, देख उन्होंने बछड़ा बना लिया, अब मुझे छोड़ दे, मैं इन सबको फना करके तुझे मुल्क में से तेरी औलाद को लेकर जाऊंगा। मूसा ने कहा नहीं, अगर इनको नहीं ले जाना
गैर कौमी भी कहेंगी कि इब्रानियों को खुदा कमज़ोर खुदा है, नहीं ये जाएंगे वरना मेरा नाम किताब हिजाज से निकाल दे, मुझे फख्र है मसीह पर, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे चर्च बिल्डिंग के सामने कोई दहशतगर्द नहीं आएगा, इसलिए कि खुदा मेरे अंदर काम करता है। अगर मूसा के अंदर काम करता था मेरे अंदर क्यों नहीं करता, वो मेरे अंदर भी काम करता है। अच्छा मूसा ने कहा नहीं मेरा नाम, खुदा ने कहा तेरा नाम क्यों काटूंगा, मैं उनका काटूंगा जिन्होंने मेरा गुनाह किया है। जब गुनाह करते हैं तो फिर बीमारियां, शुगर, ताप देकर, टीबी, बवासीर, हर तरह की बीमारी आफत हम पर आएगी, क्योंकि सूरज हम पर तलू नहीं हुआ, सूरज की रोशनियां मूसा पर चमकती थी, वो आग में बैठा था पाक रूह और ऊपर लाइट जा रही थी आसमान तक पाक रूह की। मूसा कोई आदमी कोई जानवर इतने इतने फरलांग दूर रहे पहाड़ से वो जल जाएगा, मूसा क्यों नहीं जला, इसलिए कि गुनाह उसकी जिंदगी में नहीं था। हाँ जब गुनाह नहीं था तो याद रखें मूसा जब पहाड़ से उतरता है तो कौन क्या कहती है, मूसा नकाब बोले हम तेरा चेहरा देख नहीं सकते, तेरे चेहरे का तेरे, जो है वो जवाब नहीं देख सकते थे, क्यों, इसके लिए कि वो भी अब्राहम की लात तो थे मगर गुनाह जिंदगी में भरा हुआ था, क्योंकि ईमान नहीं लाए, इतने मौजदात देख कर भी ईमान से बरगश्ता हो गए, तो खुदा उन्हें अपने कदम में कसम खा ले कि ये मेरे नाम, सबकी लाशें मैदानों में परिंदों ने दरिंदों ने खाई, और कितने यशवा और कालेब कहाँ गए भाई, वो मुल्के कनान में गए, वहां मसीह ने पैदा होना था, और वो भी छोटे बच्चे जो 12-14 साल के थे उन्हें जवान करके फिर वहां, ये मूसा ग्रेट ग्रेट था, वो ऐसे नहीं कहता, शिक्षण की किताब में उसके 14वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है जब वो परेशान हो गए कौम तो कहने लगे अब हमारा क्या बनेगा, तुझे जा रहा है, मूसा ने कहा खुदा तुम्हारे ही भाइयों में से मेरी मान नबी पर पा करेगा तुम उसकी सुनना। अच्छा तो फिर खुदावन के सामने मूसा ने ये सवाल किया कि वो ऐसे ऐसे कहते तो मैंने उन्हें ऐसा कहा, तो खुदा ने कहा हाँ मूसा इंसान मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता, हाँ मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानदे नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में रखूंगा और जो उसे हुक्म दूंगा उसे वो पूरा करेगा। अमर बेटे क्या आज हम उसका हुक्म मानते हैं खुदा का, हम नहीं मानते, आज ने ते कल अमरीका रब्बा मैनू कल अमरीका गोरी ने ते काली सही लै गए मैनू छल अमरीका, खुदा तो अमेरिका है कहाँ खुदा है पाकिस्तान में, मगर हमारा यसु मसीह एशिया में पैदा हुआ, इसराइल एशिया में है, सेंटर है पूरी दुनिया का, याद रखना इसराइल सेंटर में है, तो इसीलिए 3 दरवाजे उधर 3 उधर 3 उधर 12 दरवाजे, इसीलिए सब कौमें यहाँ आएंगी इसराइल में फैदियाब होंगी, वो इसराइल कहाँ है, वो मूसा कहाँ है। अच्छा मसीह ने लेकर आसमान तक जाना है तो क्या उसका हुक्म मान रहे हैं, मसीह यस्सु बाप का हुक्म मानता है, जो मैं उसे हुक्म देगा वो उसे पूरा करेगा, गतसमनी बाग में यस्सु मसीह का पसीना खून की बूंदे बन बन कर टपकता है तो फ्रीचा कुआ दे रहा है। अच्छा तो मसीह कह रहा है बाप हो सके तो प्याला मेरा मेरे से टल जाए, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्या हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, अगर हम उसकी मर्जी को पूरा करें फिर दहशतगर्द अंदर नहीं आएंगे, लीशा के जमाना में लीशा के सामने आंखें अंधी हो जाती हैं तो नए अहद में भी ऐसा है, रसूलों ने भी जादूगर की आंखें बंद कर दी, बंद कर दी, हमारे सामने क्यों नहीं ऐसा होता, नहीं होता है, हो सकता है कब, जब हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं होगा, हमारी जिंदगी में सरासर मसीह होगा, हम सर से पांव तक मसीह यीशु में जो है वो पायविस्त होंगे, हाँ जी उसके साथ हमारी रफाकत होगी, शराकत होगी, वो नाम से ही रख लिया पर मैं मसीहा बना नहीं, वो ले चला सलीब औरों की, मैं अपनी सलीब ले चला नहीं, किस तरह क्यों नहीं सलीब उठा सकते, इसलिए हमारी जिंदगी में गुनाह है, गुनाह है, इसलिए हम ये बिलीव नहीं करते कि ये बीमारी ये हादसा हम पर गुनाह के सबब से आए हैं। सूरज जो आफ्ताब सदाकत है ये आयत लिखी हुई, अच्छा वो तो हम पर चमक नहीं रहा, क्यों नहीं चमक रहा, इसलिए कि हम तो डेवल की बातें जो हैं लुमिनाइटी को पसंद कर रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। हाँ ठीक है, कोरिया में, कोरिया में अमेरिका के अंदर डेवल चर्च है बकायदगी से, वहां प्रोसेस हो रही है,
तो इसका मतलब है आज बहुत सारे लोग उसी को कर रहे हैं कबूल। तो जब ऐसा है फिर बीमारियां हमारे पीछे पड़ी रहेंगी। अगर ये बात मूसा ने कही थी, ठीक है, खुदा ने उससे लिखवाई, तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? 38 साल मरीज सुलेमानी हौज पर बैठा हुआ है। सुलेमान ने पानी महसूस किया था कि यहाँ लोग शफा पाएंगे, तो खुदा का फरिश्ता आता और जब पानी हिलाता तो लोग शफा पा जाते। 38 साल मरीज से पूछा, भाई तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? तो उसने जवाब दिया, मुझे कोई उतारने वाला नहीं, खुदा का फरिश्ता आता है और जो मुझसे पहले उतरता वो शफा पा जाता है। ठीक है, मसीह ने क्या कहा? कोई मेडिसिन थी? कुछ नहीं। मसीह के अल्फाज से रूह कुदस की आग निकली, उसके नसों में खून दौड़ गया, कोई मसाज नहीं हुई, कोई फिजियोथेरापी नहीं। यीशु मसीह के मुंह से आग निकली और लंगड़ा दौड़ना शुरू हो गया। उसने चावल रपाई अपनी उठाई और अपने घरे चला गया। योना के झील में तीसरे चौथे बाब में लिखा है, फिर मिला तीसरे चौथे दिन, तो मसीह को कहा कि मैं शफा पा गया रबी। मसीह ने कहा, जा फिर गुनाह न करें, इससे ज्यादा तू सजा पाएगा। बेशक बेशक अजीज नाजरीन, ये अल्फाज जो है फिर गुनाह न करना, ये आज हमारे लिए सबक है कि अगर हमसे खुदा की बरकतें दूर हैं, कहीं हमारी जिंदगी में गुनाह का साया तो नहीं, कहीं हम मसीह के साथ चलने की बजाय उस गुनाह के शख्स की पैरवी तो नहीं कर रहे जो हम सबको तबाह करने वाला है, जो हमें खुदा से दूर ले जाने वाला है। अजीज नाजरीन, ये अभी वक्त हुआ है कि हम जो है अपने प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाएं। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। हम एक मरतबा फिर अगली सुबह आपके हजूर में हाजिर होंगे एक नए खुदावंद के खादिम के साथ पाक कलाम की नई बात को लेकर, ताकि हम सब बरकत हासिल करें। उस वक्त तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।